नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जब भी हम जो CDPO वाली ID लगा के जो पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड में जाते हैं, उससे क्या होता है कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस देखने चाहें, MPR देखना चाहें, या जो डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस देखना चाहें, डिस्ट्रिक्ट की MPR देखना चाहें, तो हम वो देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने डैशबोर्ड खोल के रखा है, इसको ओपन करके रखा है, तो जहाँ पे इंडिया की फिगर है, अगर मैं जहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करूँ J&K, तो डिस्ट्रिक्ट एक है हमारे यहाँ पे रजौरी, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये मई मंथ की जो MPR होगी, क्योंकि अभी जून चल रहा है, तो ये मई मंथ का जो डाटा है, मई मंथ का जो डाटा है ये आ जाएगा। तो इसमें जैसे दिखा रहे हैं कि जो टोटल आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो है, इसमें जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं, ICDS प्रोजेक्ट्स हैं, पोषण प्रोजेक्ट हैं, 57 सेक्टर्स हैं, उसके बाद 1672 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, और 1667 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वह 40,406। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स की जो डिटेल भी जहाँ पे दी गई है, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं 1672, आंगनवाड़ी सेंटर ओपन एटलीस्ट फॉर 1 डे 1669, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स ओपन फॉर एटलीस्ट 21 डे 1450। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि बहुत सारी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो डेली जो आंगनवाड़ी सेंटर्स को पोषण ट्रैकर में ओपन नहीं करती हैं, क्योंकि अगर डेली आंगनवाड़ी सेंटर्स को पोषण ट्रैकर में ओपन करेंगे तो ये फिगर 1672 1672 ही होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे अगर 21 डेज के लिए आ रहा है, दैट मीन्स ये 21 डेज के लिए कितने ने ओपन किया, 1450 ने, तो जहाँ पे जो हमारी वेरिएशन आ रही है वो आ रही है 222 की। दैट मीन्स इस डिस्ट्रिक्ट में, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो 222 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर रही हैं, कई बार वो भूल जाती हैं जो डेली ट्रैकिंग में, मतलब कि डेली जो आंगनवाड़ी सेंटर ओपन करना होता है एक्सेप्ट हॉलीडेज, तो वो नहीं करती हैं, भूल जाती हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ध्यान दें, उन्होंने जो पोषण ट्रैकर है जो डेली मॉनिटरिंग करनी है, जो डेली आंगनवाड़ी सेंटर ओपन डेली करने हैं, वो आपने जैसे आंगनवाड़ी सेंटर ओपन करना है, उसके बाद बेनिफिशरीज की अटेंडेंस लेनी है जो कि 3 to 6 ईयर तक है, उसके बाद हार्ड कुक्ड मील है, जो मॉर्निंग स्नैक आता है, हार्ड कुक्ड मील आता है, वो आपने ज़रूर भरने हैं। अभी भी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो ऐसा नहीं कर रही हैं, शायद ये भी हो सकता है कि उनको याद भूल जाती होगी, तो आपने ये भूलना कभी भी नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसमें जब हम नोटिस करते हैं तो इसमें अगर हम जहाँ पे देखें कि जो पहले प्रेग्नेंट वीमेन आ रही हैं, जो प्रेग्नेंट 1737 हैं जो कि गर्भवती महिलाएं हैं, उसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं 6 months to 3 years 16,695 हैं, उसके बाद लैक्टेटिंग मदर्स हैं 1725, और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं 351 जो हैं, जे बच्चे स्कूल में जाते हैं, और 0 to 6 months हैं जे 1059, मतलब 1,069। तो जे इसमें सभी नोट कर सकते हैं, जैसे आपको पता ही है कि जितनी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो कि धात्री महिलाएं हैं, जो कि 6 साल, क्योंकि 6 महीने तक जो बच्चा है वो सिर्फ मदर मिल्क ही पीता है, तो इसलिए जो उनकी मदर्स हैं उनको लैक्टेटिंग मदर्स बोलती हैं। इसका मतलब है कि जितना लैक्टेटिंग मदर्स का है, जितनी फिगर जो है वो लैक्टेटिंग मदर की है, उतनी ही जो फिगर है 0 to 6 months चिल्ड्रन की होनी चाहिए, मतलब जो 0 से लेके 6 महीने तक बच्चे हैं उनकी फिगर उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि हमारी दात्री महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं। और जहाँ ये भी हो सकता है कि अगर किसी मदर के ट्विन्स हैं, मतलब 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उस केस में मतलब कि जितनी लैक्टेटिंग मदर हैं उनसे ज़्यादा फिगर हो सकती है, लेकिन लैक्टेटिंग मदर से जो 0 to 6 months चिल्ड्रन हैं उनकी कम फिगर नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ अगर हम देखें, जहाँ पे जो लैक्टेटिंग मदर हैं वो 1725 हैं और 0 to 6 months हैं 1059, दैट मीन्स ये वेरिएशन है। अब जहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वेरिएशन क्यों है, ये वेरिएशन जो है ये कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी लापरवाही से आ रही है, क्योंकि जब जब भी वो
प्रेग्नेंट लेडी इनकी जब डिलीवरी होती है तो वहाँ पे पोषण ट्रैकर में प्रोविज़न है कि उसको माइग्रेट करना होता है लैक्टेटिंग मदर में। वो आंगनवाड़ी वर्कर माइग्रेट लैक्टेटिंग मदर में कर देती हैं लेकिन उस बच्चे को ऐड नहीं करती हैं, इसलिए ये जो फिगर है इसकी वेरिएशन आ रही है। तो इसकी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये जो फिगर है ये सेम होनी चाहिए जब बच्चे ज़्यादा होने चाहिए इनके सब ट्विन। तो जहाँ तो 1725 लैक्टेटिंग मदर हैं और 0 to 6 मंथ जो चिल्ड्रन हैं ये 1059 हैं, 1059 हैं, दैट मीन्स जो तकरीबन जो हमारे पास जो 750 के करीब जो बच्चे हैं वो जहाँ पे इनरोल नहीं हुए हैं। तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स दोबारा से ध्यान दें, उन्होंने आप अभी आप अपना पोषण ट्रैकर खोल लें, जितनी आपकी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी हमने आपने जो पोषण ट्रैकर में इनरोल करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।